तो दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि बिहार के सरकारी बीएड कॉलेज या बोल सकते हैं बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में कितना फी है। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको फी बताऊंगा एग्जैक्ट प्रूफ के साथ रियल आपको मैं फी दिखाने वाला हूँ बिहार गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। और साथ में आपको ये बताऊंगा कि बिहार गवर्नमेंट कॉलेज होती है उसके साथ एक होती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोल सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज बोल सकते हैं, या अदर सरकारी कॉलेज बोल सकते हैं, उस कॉलेज का भी फी कितना होता है। तो ये सारी बातें को इस वीडियो के लिए करूंगा। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश नारायण और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो ऑफिशियल दोस्तों आपका वेबसाइट में आ चुका हूँ कॉलेज का वेबसाइट, चलिए पूरी बातें डिटेल से जान लेता हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके बिहार बीएड हो या बिहार डीलिट एडमिशन से रिलेटेड सारी बातों को पल पल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप थ्रू मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ पे मैं आपको ग्रुप बनाकर रखा हुआ हूँ। बिहार बीएड के लिए ग्रुप अलग है, डीलिट के लिए ग्रुप अलग है, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज के लिए ग्रुप अलग है, आप सभी को उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, जहां से आप सभी को अपडेटेड न्यूज मिलती रहेगी। और दोस्तों साथ ही अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं पूरे डिटेल्स। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन तुर्की जो मुजफ्फरपुर का है दोस्तों, अध्यापक शिक्षक महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर का है दोस्तों, जहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको बीएड डिग्री के लिए बीएड कोर्स के लिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा होगा सामने। जो देख सकते हैं आपका ड्यूरेशन 2 साल का है। अब यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा फी स्ट्रक्चर, चलिए दोस्तों जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो फी स्ट्रक्चर है फुल्ली आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। तो जहाँ पे आप देख रहे होंगे 7 तरीके से कि जनरल और बीसी और ईबीसी के लिए, ठीक है, जनरल बीसी और ईबीसी के लिए फर्स्ट ईयर में 12,500, उसके बाद सेकेंड ईयर में 11,500। लेकिन दोस्तों देखते हैं आप साफ तरीके से देख लीजिए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है सभी गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर दोस्तों यही है। हाँ तो ये जो फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ एक साल पुराना, ये जो फीस स्ट्रक्चर है 2018 का, ठीक है, मैं आपसे झूठ नहीं बताऊंगा, ये फीस स्ट्रक्चर 2018 है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का कोई भी फीस स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंज नहीं होती है, और हो सके जहां से जहां तक और हो सके तो फीस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ कमी आएगी, लेकिन बढ़ोतरी नहीं होती है पूरी फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं एक बात ध्यान रखिएगा फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में बता रहा हूँ, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज होता है, एक होता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, या बोल सकते हैं अर्ध सरकारी कॉलेज, उस कॉलेज का मैं बात अलग से करूंगा, ठीक है। अगर पूरा फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो उस गवर्नमेंट कॉलेज का दोस्तों आप फी दे सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए आपका 12,500, सेकंड ईयर के लिए आपको लगेगा 11,500, जहाँ पे जनरल बीसी ईबीसी के लिए, बाकी बच गए एससी एसटी और जितने दिव्यांग है उन लोगों के लिए 4,500, लगभग 5,000 आपको दोनों ईयर के पड़ेंगे। यानी कि टोटल मिला लिया जाए तो जो लोग जनरल में आते हैं और बीसी में आते हैं और ओबीसी में आते हैं ईबीसी में आते हैं, तो उनको टोटल मिला के 12,24,000 में पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू। और जो लोग एससी एसटी में ओबीसी में आते हैं उन लोग का कोर्स लगभग 10,000 में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज की बात थी। अब मैं बात करता हूँ क्या कि जो कॉलेज है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, या जो कॉलेज अर्ध सरकारी बोल सकते हैं, या जो कॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज है, ठीक है, वो सभी कॉलेज का जो फी होती है लगभग प्राइवेट कॉलेज की फी के बराबर होती है। यानी कि उस कॉलेज का भी फी होगी आपका 1.5 लाख रुपीज होगी। तो दोस्तों ये थी जहां पे मैं ऑफिशियल बता चुका हूँ दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रही होगी प्लीज वीडियो को लाइक मारना, तो और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और दोस्तों जो नंबर दिया गया उस नंबर पर मैसेज करके डायरेक्ट आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी अपडेटेड न्यूज मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।